डूबे की क्या हुआ? 321 पहुंच गया मेरा स्कोर। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्कोर प्रियंका का 321 पे चढ़ गया एकदम से ही। अर्शदीप ने विकेट तोड़ दी भाई शिवम दुबे की और प्रियंका और ये बहुत ज्यादा खुश। 399 जला हुआ है दुबे, अब नहीं दुबे। 325 पे पहुंच गया। तो वही बोल जाते कि दुबे अब नहीं दुबे। चलो कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और देख सकते हैं आप फेस को देख करके तो हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खस्ता। मैं और प्रियंका चले गए आज 7:30 बजे गांव में, क्योंकि पिछले कल आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस ब्लॉग में तो उस टाइम पे बारिश हो गई थी और हमारा काम रुक गया था वहीं पे। तो आज जितनी भी वो लकड़ियाँ रह गई थी वो सारी की सारी हमने ढोई और तकरीबन 11:30 बजे अभी पहुँचे हुए हैं घर में। तो अभी नहाना वगैरह भी है और बाणी को भी नहलाएंगे क्योंकि हम सवेरे निकल गए थे। और साथ साथ लंच की प्रिपरेशन भी शुरू होगी। और हमारे घर पर आज आए हुए हैं बहुत ज़्यादा मेंबर्स, तो वो आए हुए हैं एक्चुअली जितने भी हम हमारे मछली धाम में सब्जियां बनेगी, दाल बनेगी, चावल वगैरह। तो सबसे पहले साफ करने पड़ते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, तो वही साफ कर रहे हैं। और साथ साथ लेडीज़ गाना भी गा रही है, तो देख सकते हैं आप ये हमारे हिमाचल के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोकगीत होते हैं, अक्सर शादियों के टाइम गाए जाते हैं शादी वाले घर पर। तो ये देखिए आप सभी लोगों के ही सामने इन डिब्बों में उस दिन मैं और मम्मी मिट्टी डाल रहे थे और जो हमने बीज दिए थे, और ये हल्के हल्के से निकल भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और जैसे मेनली पूजा वगैरह के उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं और सर्ट के काम में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे मेन गेट है वहाँ पर भी रख सकते हैं आप इस तरह से गमले, और साथ के साथ जहाँ पर 7 फेरे होंगे दूल्हा और दुल्हन के तो वहाँ पर भी 4 पिलर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इवनिंग का टाइम और तूफान आ गया है एक बार फिर से और साथ के साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो मेरी स्कूटी रहेगी बाहर बारिश में, थोड़ा सा स्कूटी नहा भी लेगी और साफ भी हो जाएगी। और यहाँ पर चला हुआ है कुछ काम, तो जैसी भी लगी हुई है एक्चुअली मनरेगा के तहत, मतलब जो टेंपल है माता नैना देवी का हमने अक्सर आप लोगों को दिखाया है तो वो वाला रोड पक्का हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर रेता बजरी और ये बड़े बड़े पत्थर फेंके हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं बाणी और उसकी मम्मा क्या कर रही है। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो गया है, तेज बारिश लगी हुई है। लाइट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, प्रियंका भी दिख नहीं रही है। तो ये है प्रियंका, प्रियंका क्या कर रही है? बाहर तो आंधी तूफान आ गया, फोन में क्या आंधी तूफान दिखा जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ और ही काम चला हुआ है, देख सकते हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन खेल रही है भाई प्रियंका। ओ भाई क्या है, विनिंग भी हो रही है। बहुत नुकसान हो गया आज। कितना नुकसान हो रहा है? 2, 3, 4, 5 तो 5 टीमें लगाई हुई है प्रियंका ने भाई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरबपति बन जाओगे मेरे को लगता है, आप लोग करोड़ कमा रहे हैं, आप अरबों में कमाओगे सीधा ही, 5 टीमें लगाई हुई है। तो प्रियंका के साथ मैं भी बिजी हो गया था उसके ड्रीम इलेवन को देखने में कि यहाँ क्या है, किस तरह का स्कोर चल रहा है उसका। 5, 5, 6, 6 टीमें लगी हुई है भाई, तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। और हम भूल गए थे कि यहाँ पे लेंटर पे कपड़े भी थे, तो भी इन कपड़ों को मैं उठा लेता हूँ, हल्के हल्के से ये भीग भी गए हैं। ये उठा दिए मैंने कपड़े भाई, और देख सकते हैं आप बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज बारिश भी आ गई है। तो चलिए चलते हैं आप अंदर घर के। तो ये देख सकते हैं आप जोरदार बारिश हो गई है स्टार्ट, और साथ के साथ मौसम पूरा चेंज है भाई। अभी अप्रैल के बाद मई भी आने वाला है और ठंड उसी तरह से है। अभी तक हमारे यहाँ पर रजाइयाँ ही ओढ़ी जाती हैं, देखिए आप बहुत ज़्यादा घनी बारिश लगी हुई है। एक हाँ, मौसम का कोई पता नहीं चल रहा है हमारे हिमाचल की।
एक दूसरी मौसम चेंज हो जाता है यहाँ पे, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। तो बस यही प्रेयर भगवान से कहीं पे भी नुकसान ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि हमारे जो हिल्स एरिया रहते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और मैक्सिम घर आप लोगों को बताइए कि हिल्स के ऊपर भी घर बनाए हुए होते हैं। और यहाँ पर चली है डिनर की प्रिपरेशन। मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, मैं कई बार सोचा कि ड्रीम इलेवन ये कर दूँ मैं डिलीट, पर हिम्मत नहीं बढ़ती है। नहीं नहीं लगे रहो आप, एक दिन आएगा आप करोड़ों के अरबों में खेलोगे। जैसे मैच खत्म होता है ऐसा लगता है कि पहले सोचते कि नहीं अब जो मैं ड्रीम इलेवन जो है अपने फोन से रिमूव कर दूंगी, लेकिन जैसे दूसरा मैच लगता है तब मेरा हाथ खुद खुद चले जाते हैं फोन पे। कोई बात नहीं, एक दिन आप जरूर कामयाब हो गए, यूं ही लगे रहो आप। नहीं, आज मेरा स्कोर ठीक चला हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, और ये बैंगन हमने लाए हुए थे अपने किचन गार्डन से, ऐसा नहीं कुछ भी, अपने घर की सब्जी है, बाहर से बिल्कुल कम समय हम सब्जी में डालते हैं। भले ही मुझे उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है ना क्रिकेट का, लेकिन तो ये देख सकते हैं आप प्रियंका का स्कोर चला हुआ है 290 अभी, और इसका फर्स्ट वाले का चला हुआ है बैटिंग मास्टर का 345706, फर्स्ट वाले का 355 है भाई, और प्रियंका 390 पे भाई। अच्छा, 290 पे, हाँ 290 पे। तो हाँ 300 पहुँचने वाले हो आप भी, थोड़ा ही यहाँ पे पूरा सही हुआ मेरे से। हाँ 65 कर, अगर मैंने दूध लिया होता तो थोड़ा हो जाता मेरा भी जुगाड़। चलो कोई नहीं, हो जाएगा आपका जुगाड़, यूँ ही लगे रहो आप। चलो खेलेंगे नहीं, एक जुगाड़ लग रहा है मेरे को, वित्तीय जोखिम है इसमें बहुत ज्यादा। हाँ वित्तीय जोखिम है, पर करोड़पति बनने पे चांस भी है, जो 2-3 हजार का वित्त है हमारे पास। वो तो मेरे को जोखिम में लग रहा है अभी, ऐसे ही हालात रहे, आज तो 5-5, 10-10 टीम में रख दी है भाई बंदों ने, बंदे अरबों में कमाना चाहते हैं ये। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं, हम मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमोशन कर रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट आने से ही पहले मैं बोल दूं कि इस तरह की ये जो गेम्स वगैरह हैं सच्ची में बहुत ज़्यादा जोखिम से भरी हुई होती हैं, तो अगर आपकी इच्छा है जोखिम उठाने की तो तभी आप खेलें, अगर फिर बाकी अपनी अपनी समझदारी है इसमें, मैं यही कह सकता हूँ। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा कि आप लोग अपने ब्लॉग में मतलब इस तरह की चीज़ दिखा रहे हो, मतलब अब हमारे पर्सनल देखिए, मेरी वाइफ प्रियंका खेल रही है तो मैं सिर्फ उसी को दिखा रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि आप लोग खेलो और आप दिन दहाड़े ही बन जाओगे करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे सपना लगा था ना कि मैंने ड्रीम इलेवन में टीम लगाई और मुझे 31,000 चलो हो सकता है, क्या बता आपका सपना मतलब साकार हो जाए आज, क्योंकि जो रैंक चला हुआ आपका ठीक ठाक ही है अभी, only 65 points पीछे हुआ first rank वाले से। अगर दुबई लिया होता मैंने ना, जिस जो first पे उसने दुबई लिया है, अगर मैंने दुबई लिया होता तो मेरा और उसका स्कोर बराबर ही होता। तो कोई बात नहीं, क्या पता दुबई एक दो ओवर तक ही है अभी, दो तीन ओवर ही खेल ले बस। दुबई नहीं लिया इसलिए दुबई तेरे बिना दुबई। चलिए दुबई को नहीं लिया है, कोई बात नहीं, हम दुबई जाएंगे फ्यूचर में कभी। चलाओगे रास्ते
इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की कर दूंगा मैं एंडिंग यहीं पर ही। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी जरूर पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो आप लोगों के पास हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए तो आप अपनी सुझाव भी हमें जरूर रख सकते हो। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो यूं ही अपना प्यार आगे भी बनाकर रखिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। अभी थोड़ा सा बिजी चले हुए हैं हम, शादी वगैरह के प्रिपरेशन में बहुत सारे काम अभी करने को हैं, तो हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल के साथ हम शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।